दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप जो है अपने मोबाइल से कैसे किसी भी ज़मीन का नक्शा देख सकते हैं। हमारे देश में जितनी भी ज़मीनें हैं सबका नक्शा बना हुआ है, ये सारा जो नक्शा है डिजिटल है, तो आप नक्शे के थ्रू देख सकते हैं कि ज़मीन किसके नाम है, वहाँ कहाँ पर जो है रोड है, कहाँ पर बाउंड्री है, ये किसने ख़रीदा है, किसके नाम से ज़मीन है, तो ये सारी चीज़ें कैसे आप देखेंगे अपने मोबाइल से, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका मैं जो है आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप स्किप करते हैं वीडियो को तो बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाती है, जिससे जो है आपको समझ में नहीं आता है, फिर जो है आपको कमेंट करते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, जो स्टेप हम बता रहे हैं उसे आप फॉलो कीजिए। वो स्टेप फॉलो करने के बाद ही जो है आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल में किसी भी ज़मीन का नक्शा देख सकते हैं। इसके साथ साथ कौन उस ज़मीन को ख़रीदा है, उसके पीछे कहाँ पे क्या बाउंड्री है, कहाँ पे रास्ता गया है, ये सारी चीज़ें जो है आप आसान तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी जितने भी दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं या फिर घर वाले हैं, वो भी सब जान जाए कि किस तरह जो है आप ये सारी चीज़ें हमें अपने मोबाइल से देख सकते हैं। तो दोस्तों जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों इसके साथ साथ आप जो है हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी प्रदेश का पेंशन लिस्ट कैसे चेक करना है, इसके रिगार्डिंग भी वीडियोस अपलोड हैं। देन अपनी ज़मीन का असली पैमाना कागज़ रजिस्ट्री मोबाइल से आप कैसे डाउनलोड करें, बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने वीडियो पे बना रखे हैं। ये सारे वीडियोस जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसके साथ साथ आप कमेंट ये कीजिए कि आप ये जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, ताकि हम जो है उन लोगों के लिए भी काम कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम खोलना है अपने मोबाइल में। गूगल क्रोम खोलते ही दोस्तों आपको वहाँ पे टाइप करना है भू नक्शा, जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, इंग्लिश में भी दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये जो है आपको टाइप करना है। दोस्तों जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो क्या है, आपके जो मोबाइल है उसमें नया प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप अगर, तो इस प्रकार का जो है नया प्लेटफॉर्म खुल के आएगा जहाँ पर ये भू नक्शा करके आपको शो करेगा, इसको आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है आपका वेबसाइट खुल गया आएगा, नया प्लेटफॉर्म खुल गया आएगा। तो यहाँ पे वो नक्शा जो है, यहाँ पे मैं यूपी के लिए अभी बात कर रहा हूँ, आप अदर स्टेट के लिए ऐसे फॉलो अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो बटन है यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है दोस्तों। जी हाँ, आपको यहाँ पे साइड में अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन दोस्तों जैसे क्लिक करोगे आप तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा जहाँ पे आपका स्टेट पूछा होगा, किस स्टेट को देखना चाहते हैं, किस ज़िले के लिए देखना चाहते हैं, तहसीलदार तहसील क्या है, देन यहाँ पे गांव का क्या नाम है, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद देखिए जिला वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो देखिए जिला में जैसे आप ऑप्शन क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जिला, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जिला जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इन सब जिले में से जिस जिले को आपको देखना है उसको आपको क्लिक करना है। कहाँ पर ये जो डॉट बने हुए हैं इसमें से किसी भी डॉट को आपको क्लिक कर दीजिए, जिस जिले का आप देखना चाहते हैं। सपोज़ आप जो है बसगांव को देखना चाहते हैं तो इस डॉट को जो है आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि नीचे जो ऑप्शन पूछा गया होगा, जैसे कि यहाँ पे तहसील का, तो यहाँ पे बहुत सारी तहसील आ रही हैं तो तहसील को आप सेलेक्ट कीजिए। देन गांव का ऑप्शन आएगा, गांव को भी आप सेलेक्ट कर दीजिए। इन सब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर लैंड टाइप पूछेगा, किस तरह का ज़मीन आप देखना चाहते हैं, तो इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद देखिए बहुत सारी डिटेल जो है यहाँ पे आपके सामने आ चुकी होगी, अगर आप ये फॉलो अप कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन में जो है ऐसा कुछ शो हो रहा होगा। देन इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है नक्शा खुल के आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का आपके उस मोबाइल में जो है एक नक्शा खुल के आएगा जहाँ पे आप इसको जूम करेंगे दोस्तों। जैसे आप इसको दोस्तों जूम करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नंबर जो है मेंशन होंगे, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर जो है मेंशन है, यहाँ पे क्या है, इस नंबर को आपको क्लिक करना है। सपोज़ आप
किसी भी नंबर को क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो है किसके नाम पे है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको और जूम करके देखेंगे दोस्तों, तो इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे रास्ता गया हुआ है, यहाँ पर इनकी बाउंड्री है, कितना एरिया है, ये भी मालूम चल जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है एक नंबर को जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 438, तो 438 को दोस्तों मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर रेड इस टाइप का जो है रेड बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ किसके नाम से है, देन कौन सा नंबर है, खाता संख्या दिया गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दी गई है, तो आप जो है आसानी से जान सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लॉट नंबर के बारे में बताया गया है, खातेदार का नाम भी दिया गया है, तो आप जो है ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। अगर और मान लीजिए आपको इस वाले प्लेटफॉर्म को, इस वाले प्लॉट को बारे में जानना है, तो इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ डिटेल जो है आ जाएगी आपके स्क्रीन में। तो बहुत ही आसान तरीका दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी ज़मीन का नक्शा देख सकते हैं, वहाँ पे कितनी बाउंड्रीज हैं, कितना उसका एरिया है, कौन उसका खरीदार है, रास्ता किधर गया है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मालूम चल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके, वो भी जान सके कैसे जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। इसके साथ साथ चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, जैसे कि अगर आपने नहीं देखा है कि किसी भी प्रदेश का कैसे पेंशन लिस्ट देखना है, चेक करना है अपने मोबाइल से, तो आप जो है ये सारी वीडियोज़ जो है हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जो है आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देश का हर एक नागरिक जो है इस वीडियो के माध्यम से अपने जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो जान सके कैसे यूज़ करना है। और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।